नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं, हमारा 2.4 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स भाग 9 यह चैप्टर चल रहा है। इसके अंतर्गत आज हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, उसके पहले कुछ हमें हमारे पास मूलभूत जानकारी होना चाहिए। जैसे निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान किसे कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू। यदि x कोई वास्तविक संख्या हो तो x का निरपेक्ष मान अर्थात x का शून्य से दूरी को दो खड़ी रेख के बीच में x जैसे चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं, इसका वाचन x का निरपेक्ष मान अथवा मोड x भी करते हैं। इस चीज को मैंने आपको यहाँ लिख कर दिया है, निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू। यदि x कोई वास्तविक संख्या हो तो x के निरपेक्ष मान अथवा संख्या रेखा पर शून्य से x की दूरी दो खड़ी रेखा के बीच में x जैसा लिखते हैं, इसका वाचन x का निरपेक्ष मान अथवा इसे मोड x भी पढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ध्यान देना है इसमें, जो निरपेक्ष मान आप सीख रहे हो, कि किसी भी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान, यानी वास्तविक संख्या कैसी होनी चाहिए, शून्येतर, शून्य के अलावा किसी भी शून्येतर वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक संख्या होती है। अब इस चीज को जरा हमें समझना पड़ेगा। शून्येतर यानी शून्य का निरपेक्ष मान सदैव शून्य ही होता है, और शून्य का चिन्ह न तो प्लस होता है और न ही माइनस होता है, इसलिए वहां शून्येतर कहा गया। यानी शून्य को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या हो तो उसका निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक संख्या ही होती है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्न आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत है, इसे मैं आपको हल करके दिखा रहा हूँ और कुछ प्रश्न आपको गृह कार्य में भी दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आपके 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, वह है मान ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ दिया है 15-2 का निरपेक्ष मान हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, 15 में से जब हम 2 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15-2 करेंगे तो 13 आएगा, और 13 क्या है, वास्तविक संख्या है, इस शून्येतर वास्तविक संख्या, यानी शून्य के अलावा वास्तविक संख्या कुछ भी रहे, 13, 2/3, -6/5 कोई भी संख्या हो उसका निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक संख्या ही होती है, यानी ये कितना आपका आया, 13 है। उत्तर आप लिख देंगे, उत्तर लिखना नहीं भूलेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखे 15-2 का निरपेक्ष मान कितना है, 13। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी आपको दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर 4-9 का निरपेक्ष मान हमें ज्ञात करना है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले 4 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 छोटा है 9 बड़ा है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो हमेशा ऋण का चिन्ह लगता है, ध्यान दो। तो यहाँ पर 4 में से 9 घटाए तो ऋण 5 है, यानी हमको घटाना किसमें पड़ेगा, 9 में से 4 को, और चिन्ह किसका लगेगा, ऋण का। ये बात आप पहले बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हो। अब ये ऋण 5 वास्तविक संख्या है, इसका निरपेक्ष मान क्या होगा, धनात्मक संख्या होगा, धनात्मक वास्तविक संख्या होगी। तो ऋण 5 का धनात्मक संख्या क्या होगा, धन 5। इसका भी उत्तर आप लिखेंगे, आप केवल धन 5 लिखेंगे तो भी चल जाएगा, या पूरा लिख दें, छोटा प्रश्न है, 4-9=5। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी मैंने हल करके दिखाया। यहीं पर बगल में एक तीसरा क्वेश्चन भी दिया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, 7 का निरपेक्ष मान गुणे -4 का निरपेक्ष मान, यहाँ पे इस तरह से दिया है। ये भी बहुत आसान है, 7 वास्तविक संख्या है, 7 का निरपेक्ष मान 7 गुणे -4 का निरपेक्ष मान 4, 7 × 4=28। बहुत ही छोटे एक नंबर के लिए परीक्षा में आपको पूछे जा सकते हैं, और इसका भी उत्तर आप लिख सकते हैं यहाँ पर, कि 7 का निरपेक्ष मान गुणे -4 का निरपेक्ष मान, और इसका उत्तर कितना आएगा, 28 आएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको 3 प्रश्न यहाँ पर हल करके दिखाया है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसी पर आधारित चौथा, पांचवा और छठा मैं गृह कार्य में दे रहा हूँ, जो कि आपको शुक्रवार तक मुझे व्हाट्सएप करना है, और व्हाट्सएप पे जहाँ से आप कर रहे हैं जिस कापी में लिखे उस पर आपका नाम भी आना चाहिए व्हाट्सएप पे, इसका आप ध्यान रखेंगे।
अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, हल करो। इसके लिए आपको यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, इन्हें भी मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। तीन एक्स ऋण 5 का निरपेक्ष मान कितना दिया है, यहाँ 1 दिया है, इसको हम कैसे हल करेंगे। यहाँ हल कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपका 3x ऋण 5 का निरपेक्ष मान बराबर 1। प्यारे बच्चों एक चीज जरा ध्यान देना, जैसे ही ये निरपेक्ष मान का जो चिन्ह है ये हटेगा तो बराबर के बाद जो भी संख्या है उसमें प्लस माइनस लगेगा। अब कहोगे सर क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ निरपेक्ष मान के चिन्ह के अंदर जो भी संख्या लिखी गई है ये हमें मालूम नहीं है प्लस है या माइनस है, लेकिन जो भी संख्या होगी उसका मान सदैव प्लस में आता है। तो यह चिन्ह जैसे ही हटेगा तो इसका मान जो है वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी होता है। मान कहाँ लिखे हो आप, यहाँ पे लिखे हो, यह मान है 3x माइनस 5 का मान कितना है 1 है, तो यह मान जो है वो धन भी हो सकता है ऋण भी हो सकता है, क्योंकि निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा है इसलिए यहाँ पे धन 1 लिखा गया है, लेकिन जैसे ही ये चिन्ह हटेगा वैसे ही यहाँ 1 में हमें प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिख रहे हैं प्लस माइनस 1। अब आप लिखोगे 3x माइनस 5 बराबर 1 या 3x माइनस 5 बराबर माइनस 1। इस चीज में बच्चों कंफ्यूज मत होना, देखिए क्या फिर से ध्यान दो, 3x माइनस 5 जो दिया है ना यहाँ निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा है, अब यह बराबर किसके है 1 के, तो जब निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा है तो यहाँ पे सदैव प्लस ही आएगा उत्तर हमारा, लेकिन जैसे ही निरपेक्ष मान का चिन्ह हटेगा तो यह हमारा उत्तर प्लस माइनस में हो जाएगा, यानी प्लस 1 और माइनस 1 दोनों होगा, और इसी के आधार पर आगे हम हमारा 2 समीकरण बनेगा उसको हल करेंगे और हमें x का मान प्राप्त होगा। हल करना, हल करो अर्थात इसमें जो भी चरांक दिए गए हैं उसमें उसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे चरांक किसका प्रयोग हुआ है, x का भी हो सकता है, y का भी हो सकता है, z, a, b, c कोई भी अक्षर यहाँ पर आ सकते हैं, और हल करके उसी अक्षर का या चरांक का आपको मान ज्ञात करना है। यहाँ देख रहे हो 3x इज इक्वल टू 1, माइनस 5 का पक्षांतर करेंगे दाहिने पक्ष में जाएगा तो प्लस 5, 3x बराबर 6, अब x में 6 से उड़ा, x में 3 से उड़ा है तो 6 में जाएगा तो दाहिने पक्ष में जाएगा क्या होगा भाग होगा, तो x बराबर 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, x बराबर बच्चों 2 मिला है। इसी प्रकार से इस तरफ देख रहे हैं हम लोग 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 5 का पक्षांतर करेंगे राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 5 होगा वो आपका, और एक हुआ 3x इज इक्वल टू माइनस 1 और प्लस 5 को आप देखिए चिन्ह अलग अलग है, 5 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा 4, बड़ी संख्या 5 है उसका चिन्ह प्लस है इसलिए यहाँ प्लस आएगा। अब x बराबर 4/3, बच्चों जरा एक चीज़ को हमको ध्यान देना होगा, हमें जांचना है कि क्या हमने जो उत्तर प्राप्त किया है वो सही है, तो उसके लिए देखना होगा कि आप देखिए यहाँ पर आप 2 प्राप्त किए हो, यहाँ पे मैं 2 रख रहा हूँ इस जगह पे, तो 2 × 3 = 6, 6 में से 5 कितना आएगा 1 आएगा, धन 1 आएगा, आएगा कि नहीं, देखिए धन 1 आया, अब उसके बाद ऋण 1 भी आना चाहिए, इस मान को रखना है 4/3, यहाँ पर 4/3 रखेंगे 3 कट जाएगा, यहाँ आएगा 4 और 4 में से 5 घटेगा तो क्या आएगा ऋण 1, तो ये बात सत्य हो गई कि यह जो निरपेक्ष मान के चिन्ह के अंतर्गत जो भी संख्या दी गई वास्तविक संख्या वह धन में भी हो सकती है और ऋण में भी हो सकती है, तो वह धन में रहेगी या ऋण में रहेगी, तो जैसे ही चिन्ह हटेगा उसका मान जो भी आप 1, 2, 5, 7, 9 जो भी लिखे हो वो प्लस माइनस में हो जाएगा, और प्लस माइनस में होने के बाद समीकरण 2 समीकरण बनेंगे, उन समीकरणों को जब हम हल करेंगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा। यहाँ पर उत्तर लिख दोगे x बराबर 2 या x बराबर 4/3, मुझे लगता है बच्चों आपको चीज समझ में आई। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इसे भी मैं आपको हल करके दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को, यह है आपका निरपेक्ष मान के चिन्ह के अंतर्गत 7 - 2x का निरपेक्ष मान बराबर 5, अब यहाँ पे निरपेक्ष मान का चिन्ह हटेगा 7 - 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, ये चीज़ आप समझ गए होंगे प्लस माइनस 5 क्यों आ रहा है, कोई भी संख्या हो वहाँ पे प्लस माइनस लगेगा ही जैसे ही निरपेक्ष मान का चिन्ह हटेगा, 7 - 2x इज इक्वल टू 5 या 7 - 2x इज इक्वल टू माइनस 5, बच्चों इसी समीकरण को हल कर दो x का मान प्राप्त करो आपका काम बन जाएगा, माइनस 2x
बराबर 5 ऋण 7, तो माइनस 2x बराबर, अब 5 में से 7 घटाएंगे तो माइनस 2 आएगा, x बराबर ऋण 2 में, x में ऋण 2 से उड़ा है दाहिने पक्ष में जाएगा तो ऋण 2 से भाग हो जाएगा। अब ऋण में ऋण का भाग क्या होता है, धन, और 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा। x बराबर कितना मिला आपको, 1 मिला। अब इसी प्रकार से इस समीकरण को भी दाहिने पक्ष के समीकरण को हल करेंगे तो आपका क्या होगा, माइनस 2x बराबर 7 का पक्षांतर होगा, बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में जाएगा, प्लस 7 है तो माइनस 7 होगा, यानी माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 12, यानी x इज इक्वल टू माइनस 12 में माइनस 2 से भाग देंगे, और ये चीज़ आप जानते हो बच्चों, माइनस माइनस का भाग प्लस, और 2 छक 12, 2 6 या 12। अब यहाँ भी आप अच्छी तरह से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 एक का 2, तो 7 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा, 5 आएगा, प्लस 5 आया। यहाँ आप चेक कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप चिन्ह हटाए तो उत्तर हमारा प्लस माइनस में आएगा। यहाँ 6 है, यहाँ 6 दूनी 12, और 7 में से 12 घटाएंगे तो माइनस 5 आएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप अपने उत्तर को जांच भी सकते हो कि मेरा हमारा उत्तर सही है या गलत है, और इसके हिसाब से आप अपना सवाल हल करते हुए आगे जाओ। आपके लिए एक सिंपल सा लास्ट तीसरा क्वेश्चन भी है, और इसी पे आधारित मैंने आपको यह चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, चार क्वेश्चन की रिकार में दिया हुआ है। अभी दो क्वेश्चन में आपको और हल करके दिखा देता हूँ। तो 8 - x/2 का निरपेक्ष मान कितना है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया है, 8 - x/2 का निरपेक्ष मान कितना है, 5 है। यह भी वैसी वेरी सिंपल, 8 - x/2 बराबर प्लस माइनस 5। अब यह होगा 8 - x/2 बराबर प्लस 5, या 8 - x/2 बराबर माइनस 5। प्यारे बच्चों, यहाँ तिरक गुणा कर देंगे, 8 - x बराबर आया 10, यानी 2 का यहाँ गुणा किए, 2 का यहाँ पे गुणा किया आपने, तो -x बराबर 10, और 8 उधर जाएगा तो ऋण 8, यानी -x बराबर, यहाँ पर 10 में से 8 हटाएंगे 2 आएगा, यानी x बराबर आया आपका -2, क्योंकि दोनों पक्षों में आप ऋण 1 से गुणा कर देंगे तो धन 1 हो जाएगा, और धन 2 में ऋण 1 से गुणा करेंगे ऋण 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, इस तरफ 8 - x, 2 का गुणा ऋण 5 में करेंगे तो ऋण 10 आएगा। 8 - x यहाँ पर दिया है आपको, तो -x बराबर -10, और धन 8 उस तरफ जाएगा दाहिने पक्ष में तो ऋण 8 होगा, यानी -x बराबर -18, यानी x बराबर 18। और इसका उत्तर भी आप बच्चों लिख दोगे, उत्तर आपको लिखना बहुत आवश्यक है, इसमें मार्क्स होते हैं, x बराबर -2 या x बराबर 18। तो प्यारे बच्चों, देख रहे हो बहुत ही सिंपल है यह चौथा क्वेश्चन भी, आपको वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और 5 क्वेश्चन यानी चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां गृह कार्य में दिया हुआ है। आप इसे खूब बढ़िया ढंग से वीडियो को बार बार देखें और ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, और यदि समस्या है तो आप शुक्रवार तक मुझे इसे व्हाट्सएप करिए, मुझे लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी समस्या को फिर से मैं दूर करूंगा। और खूब मेहनत करें, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।